कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना सच में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कंगना रनौत उनमें से एक है। हाल फिलहाल में जो मूवी आई पंगा मूवी, जो उनमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनको देख के सच में जो दिल में जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। मतलब मैं बात कर रहा हूँ पंगा मूवी की, जिसे डायरेक्ट किया है अश्विनी अय्यर तिवारी जी ने, और जिसके अंदर कास्ट है कंगना रनौत, जस्सी गिल, ऋचा चड्ढा, नीना गुप्ता और याज्ञ भसीन। अगर स्टोरी की बात करें तो कंगना रनौत जिन्होंने जया नाम का एक करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में, वो शादी से पहले एक कबड्डी टीम के कैप्टन थी, और शादी के बाद उनका कमबैक होता है 32 एज में, 32 साल की एज में उनका फिर से कमबैक होता है। तो ये उनकी जर्नी दिखाई गई है जो काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के हर किरदार ने अपना काम बखूबी से निभाया है। मूवी देखते वक्त मुझे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई, यानी इस मूवी में आपको शुरू से लेके आखिर तक बांध के रखने की काबिलियत है, और ये ऐसा बहुत कम हो पाता है कि अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने जो पिछले हफ्ते जो मूवीज़ देखी उसके अंदर ऐसा था ही नहीं। मतलब वो एक तो ज़बरदस्ती उस सीट पे बैठना क्योंकि रुपए दिए थे, लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ये मूवी देखा तो पैसा वसूल मुझे लगा कि हाँ यार ये मूवी देख के काफ़ी अच्छा लगा, और जो परफॉर्मेंस कंगना रनौत की थी वो तो शानदार ही थी। इस मूवी में जो भी डायलॉग, जो भी बातें हुई, उन बातों को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर सपना छोड़ देती है, इवन अपना खाना तक भी अपने बच्चे के लिए छोड़ देती है, ऐसा ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। मतलब खाना छोड़ने के नहीं, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक माँ क्या क्या करती है, सपना छोड़ना तो दूर की बात, अपना खाना भी वो छोड़ देती है। तो बावजूद इसके भी जो बच्चे हैं वो उन अपनी माँ को खुद नहीं समझ पाते कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या क्या किया था। अभी फ़िलहाल उसके बारे में बात करते हैं। मूवी देखते समय मुझे खुद अपनी माँ की बहुत सारी ऐसी बातें याद आई कि हाँ यार मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ उन्होंने किया और आज भी वो कर ही रही हैं। सीधी सी एक ही बात है इन सब की कि भाई मूवी बहुत अच्छी और ये आपको जाकर जरूर देखनी चाहिए। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। याज्ञा भसीन जिन्होंने आदि नाम का एक करेक्टर प्ले किया है, जो कंगना रनौत यानी जया के एक बेटे बने हैं, एक्टिंग में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। यानी एक बच्चे की इतनी शानदार एक्टिंग ज़बरदस्त थी। एक एक सीन जो मुझे इस मूवी का बहुत अच्छे से याद है कि आदि अपनी माँ यानी जया को कुछ एक ऐसी बातें उल्टा सीधा बोल देता है, यानी गलत बोल देता है, जिससे उसकी माँ बहुत हर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि जया के पति जिसे जस्सी गिल ने प्ले किया है, प्रशांत उनका इस मूवी के अंदर नाम है, वो जया के पास जाते हैं और समझाते हैं कि यार कोई बात नहीं, बच्चा था, बच्चे से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, वो गुस्से में था ऐसा कुछ बोल दिया यार, कुछ बात नहीं। तब जो बात, जो डायलॉग जो कंगना रनौत ने उस वक्त कहे, वो वाकई में एक एक आईना आपको दिखाएगा। मतलब कि हर वक्त क्या एक महिला ही अपने पति को समझे, एक माँ ही अपने बच्चे को समझे, क्या क्या उन्होंने क्या इस चीज़ का ठेका उठा रखा है। यार होता है ना कि हमारे परिवार में अगर हमारी की अपनी माँ से कोई लड़ाई हो जाती है, या फिर हम उनसे कुछ गलत ऐसा कुछ बोल देते हैं, बाद में हमें इस चीज़ का पछतावा होता है, लेकिन एट ए पॉइंट जब हम गुस्से में होते हैं, उन्हें ऐसा कुछ बोल देते हैं, तब हमारे फैमिली में या तो हमारे पिता हमारी माँ से बात करेंगे, या फिर हमारे कोई भाई या बहन माँ से बात करके उनको बताएंगे कोई ना उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया, वो बच्चा है अभी। बावजूद इसके कि उसको समझाना चाहिए कि भाई तुम्हारी माँ कितना वो करती है, एक माँ जो है वो सुबह उठती है सबसे पहले, हर काम करती है, रात को सबसे लास्ट में वो सोती है ताकि सबको आराम से सुला सके, सारी चीज़ें वो देख दुख के आराम से वो सोती है। वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं, हम बस उसको इसलिए इंक्लूड नहीं करते, उसको इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि भाई वो तो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, वो तो एक माँ करती करती, ये जो हमारी जो सोच बन गई है कि वो चीज़ें ही नहीं देखना कि माँ की एक हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है, उनके बिना अगर वो ना हो तो यार हमारी लाइफ कुछ नहीं होती। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी, मैं फिर से रिकमेंडेड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो। ये हफ्ता तो मैं कह सकता हूँ कि पंगा मूवी ने पंगा ले डाला है इस बार पूरे हफ्ते में, यानी इतना ज़बरदस्त
जबरदस्त यार, वाकई में परफॉर्मेंस, एक्टिंग में, इमोशंस में। आपको एक स्टोरी भी अच्छी सी देखने को मिलेगी, कोई घिसी पिटी स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी, सब कुछ एकदम फ्रेश आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।